डीजे क्रैश। ए मेरा पति देव आ गए मुझे पकड़ने के लिए, अगर मैं गिर गई तो ऑफिस का खाना कौन बना के देगा? धीरे धीरे दीदी दीदी दीदी। अभी हम 5 बजे जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, पता नहीं कौन सा जगह में जाएंगे। चलिए हमारे साथ, आप लोगों को भी थोड़ा घुमा के लेके आती। फ्रेंड्स हम लोग अभी दारी माता मंदिर में आए, अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मंदिर। मंदिर वही दूर में है, थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ। वो देखिए थोड़ा माउंटेन के ऊपर हमें चढ़ना पड़ेगा तो ही मंदिर के पास हम लोग जा पाएंगे। ये है सीढ़ियाँ, बहुत सारा सीढ़ियाँ है, मैं चढ़ के जाऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे साथ बने रही है फ्रेंड्स। अभी हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये है दारी माता मंदिर का मेन गेट, तो हम लोग अभी मंदिर की तरफ चल रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत थक गए, कैसा लग रहा है, कम से कम 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आ रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है पता है, घर से अगर थोड़ा सा चाय वाय बना के लेके आती ना तो अच्छा रहता, क्योंकि इधर कुछ दुकान वगैरह कुछ ही नहीं है, सिर्फ भगवान का ही चीज़ मिलता है। तो इधर कभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लेकिन मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो बहुत पानी था, इस बार अभी इधर पानी जमा ही नहीं हुआ भी नहीं पानी। हम लोग मंदिर के नज़दीक आ गए तो उधर थोड़ा सा इधर का भी व्यू दिखा देती हूँ। देख सकते कितना बड़ा पत्थर है, और एक ही पत्थर है, ये पूरा एक भाग नहीं है, तो ये पत्थर के अंदर ही वो मंदिर बना है। मंदिर थोड़ा दिखा देती हूँ दूर से, ये देखिए जूम करके मैंने दिखा दिया। अभी 5:30 बज गए शाम का, देखिए बहुत सारा लोग आए। फिर इधर से वाटरफॉल होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है नासिक में, जब बहुत ज़्यादा होता है तभी पूरा ज़बरदस्त वाटरफॉल होता है इधर। फिर देखिए बड़े भी आए और उसके साथ छोटे बच्चे भी आ गए, मज़े से बैठे हैं। फिर मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत रिक्सी है, इधर ऊपर से पानी आता है। तुम ना पहले स्लीपर उतार दो, खाली पैर चढ़ो। मैं चप्पल ले रही हूं हाथ में। छोड़ दादा, मत छोड़िए हाथ जब तक वो कंफर्टेबल पोजीशन में ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई ऊपर, मतलब इसके ऊपर भी बहुत रास्ता है फ्रेंड्स, ऊपर तक जाना पड़ेगा। चलिए दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। पानी जम गया आ रहा है सब एक एक करके। ये देखिए फ्रेंड्स इधर से पानी आ रहा है, इधर भी बहुत सारा लोग खड़े होके फोटोशूट ले रहे हैं। इसके ऊपर भी जाते हैं, देखते हो कितना दूर तक हम जा पाएंगे। तो अभी पानी इधर से ऐसा होके फिर नीचे की तरफ जा रहा है, वो देखिए। फ्रेंड्स हम लोग छतरी रेनकोट लेके भी आए, क्योंकि ये पहाड़ी जगह है, कभी भी बारिश हो सकता है। माउंटेन का अंदर ही माता का मंदिर है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया जगह है, आप लोग अगर आएंगे तो जरूर एक बार दारी माता मंदिर में आना, और आना तो बारिश का टाइम, दूसरे टाइम आके कुछ फायदा नहीं होगा। सही में बहुत प्यास लगी है और चाय पीने का मन कर रहा है। मेरा फ्रेंड पहले ही बताया यार, थोड़ा पता होता तो पहले से ही चाय लेके आती। और फ्रेंड्स और एक बात जो मैं दिखाना भूल गई, हम जब सीढ़ी से आ रहे थे ना, सीढ़ी के पूरा दोनों साइड में ना केकड़ा जो होता है ना केकड़ा, वो केकड़ा पूरा भरा हुआ था। अभी मैं जाने के टाइम मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था केकड़ा इधर कहाँ से आया, तो मैंने एक जगह से पूछा तो मुझे पता इधर जब बारिश हो रहा था तो ऊपर से पानी जब जाता है ना तो केकड़ा उधर से ही चल चल के उधर अटक जाता है।
बादल पूरा भरा हुआ है, पूरा सादा काला सब दिख रहा है बादल। हेलो चलो। ये जगह आने के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइम बाद ही आसमान को मैं टच कर लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? ये केकड़ा, ये सो, ओ इट इज ए क्रैब, शो क्रैब। केकड़ा दिखा रही हूँ, ये देखिए केकड़ा चल रहा है इधर, केकड़ा भरा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए आई फ्रेंड्स, इधर से पूरा नासिक तक हमको दिखा रही हूँ। हम लोग पूरा माउंटेन का सबसे ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो भी इधर आसपास देखिए गांव है, कुछ फैक्ट्री भी है, देखिए कितना बाइक लेके पहाड़ के ऊपर चल रहा है सब। वो अरे बाप, कितना ये दूध बेचने के लिए जाया था, दूध गाँव का लोग आ रही है, वो देखिए यही रोड से आ रही है। और कितना लाइफ, कितना स्ट्रगल है, यही रोड से आते हैं क्या आप लोग? तो पानी के टाइम पे क्या करते हैं? दूसरा रोड है क्या पानी के टाइम पे? वो उधर से आते ओके। बाबा पूरा सब चचर उधर से, हाँ उधर से डेली जाते और पानी के टाइम पे क्या करते? बारिश के टाइम, हाँ बारिश के टाइम भी उधर से आते। बाप रे, बोलो जो जा रहे सब भाभी लोग दादा लोग, कितना लाइफ कितना टफ है। हम जो माउंटेन क्रॉस करता है वो लोग डेली इधर से अप डाउन करते हैं, वही रोड से, एक ही रोड है, मतलब सोच सकते हैं इंसान कितना कष्ट में रहते हैं, कितना कुछ सफर करना पड़ता है, तो भी इंसान खुशी खुशी रहता है। हम लोगों को तो कुछ नहीं होता था, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बारिश शुरू हो गया, देख सकते छतरी भी खुल गया है, तो इधर कभी भी बारिश होता है, कभी भी आने का टाइम छतरी जरूर लेके आना। बहुत बारिश हो रहा है, ये बिग चैलेंज फॉर अस। आगे 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 देख के चलो। ये मंदिर कि एक शिव जी का मंदिर पे आया हम लोग ने। आइए इधर आइए, जल्दी आइए, मंदिर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, शिवलिंग देख सकते हैं इधर। हम लोग पूरा माउंटेन का एकदम ऊपर में चढ़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, वही इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। पीछे का व्यू भी दिखाओ, और पीछे का व्यू देखिए, वाओ कितना सुंदर, पूरा ब्लू ग्रीन व्हाइट ग्रे हर कलर का मैं स्काई दिखा रही हूँ एक ही साथ में। और ये भगवान का बड़ा सा त्रिशूल, पूरा जो मेन मंदिर है उधर मंदिर का पूरा छत के ऊपर लगा हुआ है। हम लोग पूरा आगे मंदिर के एकदम पास में, दूर से दिखाएंगे दोस्त। इधर से जाएंगे ना, हाँ जय भोलेनाथ। इधर ही आना है क्या दीदी? इधर ही आना, जाओ हाँ। तीसरे जो देख रहे हैं ये जो मेन मंदिर है, मंदिर के एकदम ऊपर ही है, हम लोग पूरा माउंटेन का सबसे ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं। दीदी थी बहुत स्लिपरी, हाँ दलाओ बहुत, हाँ कोई देखिए दाओ, देखी अरे बाबा बहुत स्लिपरी दाओ। फ्रेंड्स कैसे तो करके हम सब ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन नीचे उतरना सही में बहुत रिस्क है, मतलब समझ में नहीं आ रहे हम सब कैसे नीचे जाए।
फ्रेंड्स अब भी बहुत थक गए, थोड़ा सा बैठ लिया 2-3 मिनट के लिए, फिर निकल जाएंगे क्योंकि इधर तो अंधेरा होने वाला है, ज़्यादा अंधेरे में रुकना सही नहीं रहेगा इसकी वजह से। सब चल चल के पूरा थक गए, सब बड़े बच्चे सब केक खा रहे, सब मैं और मेरी फ्रेंड ही नहीं खा रहे मैं बैठी हूँ वो खड़ी है, उसको केक पसंद नहीं और मुझे भी ये सब केक पसंद नहीं है। फ्रेंड्स अभी हम लोगों को चाय और बिस्किट लेना है, देख सकते हो बच्चे सब चिप्स खा रहे हैं, मैं और ये दादा हम दोनों से चाय और दोनों कॉफी, तो थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। फ्रेंड्स आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक।